अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और श्री संताजी नवयुवक मंडल के संयुक्त तत्वाधान से महाराष्ट्र में पहली बार शूरवीर भामाशाह जयंती मनाई गई। सोमवार को महाराष्ट्र दिन के साथ साथ अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और श्री संताजी नवयुवक मंडल के संयुक्त तत्वाधान से राष्ट्रभक्त शूरवीर भामाशाह जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। प्राचीन काल में महाराणा प्रताप को सहयोग करने वाले भामाशाह के बारे में इस मौके पर कई किस्से याद किए गए। उनके बारे में समाज में अधिक जानकारी देने के उद्देश्य से पहली बार महाराष्ट्र में दानवीर भामाशाह की जयंती मनाई गई। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये भामाशाह के जयंती के उपलक्ष्य में भामाशाह जयंती मनाने के लिए महाराष्ट्र में पहली बार भामाशाह की जयंती हमारे अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ और संताजी नवयुवक मंडल की ओर से मनाने का हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा। महाराणा प्रताप जो शूरवीर थे, उनको उन्होंने जो दान दिया, ऐसे हमारे राष्ट्रभक्त, प्रखर राष्ट्रभक्त शूरवीर दानवीर भामाशाह, भामाशाह ने जो महाराणा प्रताप को ऊपर में जो काम किया था, महाराणा प्रताप को उस वक़्त में जो साथ दिया था, उसके लिए इतिहासकारों ने उनके बारे में बहुत कम जानकारी भामाशाह के बारे में इतिहास में लिखी है। इसी के चलते हम बिहार में अभी दौरे पर थे, बिहार का दौरा करके बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने भामाशाह की जयंती मंडल स्तर तक वहाँ पे मनाने का कार्य किया। मैं भी वो प्रोग्राम में हाजिर था। वैसे ही हमारे पूरे साहू समाज की ओर से भामाशाह की जयंती पूरे बिहार में हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है। और वही प्रोग्राम निपट के मैं आया हूँ महाराष्ट्र में, और मैंने भी सोचा कि महाराष्ट्र के लोगों को भी ये दानवीर भामाशाह कौन है, इनका इतिहास क्या है, इसके बारे में पता चले, इसलिए इस जयंती का आयोजन हमने यहाँ पर किया है। इनबीसीएन न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहर के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।